व्हाट्सएप बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। आज के अनकहे किस्से में हम आपको बताएंगे कि किस तरह बॉलीवुड पर राज करने वाले खांस जितनी मीठी बातें एक दूसरे के लिए करते हैं, असल जिंदगी में ये उतनी मिठास तो बिल्कुल नहीं रखते। आज के दिन हम आपको बताएंगे कि किस तरह आमिर खान की एक पार्टी में सलमान खान ने मेहमान होने के बावजूद आमिर खान को गंदी गंदी गालियां देकर सभी के सामने उन्हें बेइज्जत कर दिया। जी हाँ, ये मामला तब का है जब सलमान खान की सुल्तान और आमिर खान की दंगल आपस में टकराने वाली थी। बात ये थी, सलमान और आमिर की दोनों ही फिल्में कुश्ती पर आधारित थी और अफवाहें फैली हुई थी कि इन दोनों की कहानियाँ एक जैसी हैं। जिस पर सलमान ने आमिर को रिक्वेस्ट किया था कि क्योंकि उनका प्रोडक्शन आगे बढ़ चुका है तो आमिर अपनी फिल्म को टाल दे, लेकिन आमिर ने ऐसा नहीं किया। हालांकि उन्होंने सलमान के लिए अपनी कहानी में थोड़ा फेर बदल जरूर किया। फिर कुछ दिनों बाद मौका था आमिर खान के छोटे बेटे जुनैद के जन्मदिन का, जहां उन्होंने सलमान खान को भी इनवाइट किया था। सलमान पार्टी में पहुंचे, जहां आमिर ने सभी के सामने सलमान की तारीफों के पुल बांध दिए। हालांकि उन्होंने सलमान से ये कहा कि अगर सलमान अपनी फिल्मों का चुनाव सही ढंग से करते तो आज उनकी करियर और भी ज्यादा सक्सेसफुल होता। फिर क्या था, ये बात दबंग खान को चुभ गई और उन्हें ये सहा नहीं गया। सलमान खान ने तुरंत ही आमिर को फेक कह डाला और ये कह दिया कि वो उनकी तरह दूसरों की कहानियों पर हक नहीं मारते। आमिर खान सलमान की बात सुनकर चौंक गए। सलमान की आंखों में गुस्सा था, इसीलिए आमिर खान ने उनसे कुछ नहीं कहा और ये बात यहीं पर रुक गई। लेकिन सलमान ने गुस्से में आमिर को बुरा भला भी कह दिया और उनकी गाली गलौज से बेइज्जती भी कर दी और उस दिन के बाद से इनकी दोस्ती थोड़ी सी कमजोर पड़ गई। हालांकि ये दोनों पब्लिकली एक दूसरे की काफी तारीफ करते हैं। तो आपको कैसा लगा ये किस्सा, कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।